फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैग्रांजियन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के बारे में, मतलब कि हम सिंपल पेंडुलम के इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे हेल्प ऑफ लैग्रांजियन से। तो लैग्रांजियन क्या होता है किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन होता है उसके काइनेटिक एनर्जी माइनस उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कहते हैं लैग्रांजियन से। और यहाँ पे मैंने लैग्रांज इक्वेशन भी लिखा, जिसको आप आयलर लैग्रांज इक्वेशन भी कह सकते हैं। वो होता है डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने क्यू के जगह पे, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के यहाँ पे थीटा लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम के केस में जो कोऑर्डिनेट होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, वो थीटा होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थीटा लिया है दोनों जगह इन प्लेस ऑफ क्यू। अब हम एक सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वहाँ पे एक बॉब है इस तरह से, और ये सिंपल पेंडुलम जो है उसमें बॉब का मोशन जो होगा वो इस तरह से होगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये कुछ हाइट गेन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइट गेन करेगा ओ बी, ये बात आप यहाँ पर जान सकते हैं। और यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा थीटा। एल हमने मान लिया इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एम मान लिया मास ऑफ द बॉब, और आर्क जो ओ ए बन रहा है इस तरह से उसकी लंबाई को हमने मान लिया एस। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आप जानते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू आर्क हमारा क्या है एस है, और रेडियस हमारा क्या है एल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस अपॉन एल, तो एस बराबर क्या हो जाएगा एल थीटा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एस इज इक्वल टू क्या निकाला, एल थीटा। अब हमने S क्यों निकाला, क्योंकि हमको चाहिए इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो हम लैग्रांजियन को सॉल्व कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये S निकाला है जो कि है डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या है डिस्प्लेसमेंट। जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देखिए, वेलोसिटी जो होता है वो होता है डी एस अपॉन डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आप जानते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डी एस के यहाँ क्या लिख देंगे एल थीटा अपॉन डी टी, इस तरह से हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप जानते हैं एल जो है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू एल डी थीटा अपॉन डी टी। अब बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब किसी भी चीज़ को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम सिंपली उसके ऊपर क्या लगा देते हैं डॉट। तो हम इसके ऊपर लगा देंगे थीटा डॉट, डी थीटा अपॉन डी थीटा को, डी टी को हम क्या लिख सकते हैं थीटा डॉट, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब आप काइनेटिक एनर्जी यानी टी निकाल सकते हैं। टी जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो टी इज इक्वल टू होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी एम, और वी हमारा क्या है ये है, तो इसका स्क्वायर यानी एल थीटा डॉट का स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना, फिर हम इसमें पुट कर देंगे टी माइनस वी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होता है हमारा, यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी किससे लिखते हैं वी से, वो होता है एम जी एच, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओ पॉइंट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कंसीडर करेंगे जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइट गेन नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ए पॉइंट पे कुछ हाइट गेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो कुछ हाइट इसका बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वो हाइट गेन क्या हो रहा है ओ बी हाइट गेन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो हम वी इज इक्वल टू एम जी, और हाइट हमारा क्या है ओ बी, तो हम ओ बी लिख देंगे। अब ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओ सी माइनस बी सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ सी माइनस बी सी, तो हम लिख देंगे ओ सी माइनस बी सी, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम जी, और ओ सी हमारा क्या है लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो एल लिख देंगे। और बी सी के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी पे हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं यहाँ पे इसको ए बी सी को, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस हमारा है बी सी, ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपका, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो आपका बेस है वो बी सी है और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एल कॉस थीटा बराबर बी सी, यानी बी सी की वैल्यू क्या आ गई एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप एल को कॉमन ले सकते हैं, तो एल वन माइनस कॉस थीटा,
ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, लेग्रांजियन यानी एल इज इक्वल टू टी माइनस वी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पुट कर देंगे। तो एल इज इक्वल टू टी माइनस वी में हम पुट करने जा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा टी जो है काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या है एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या, हमें क्या करना होगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा एक बार एल को थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम डेल एल अपॉन डेल थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल एल अपॉन डेल थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा है ही नहीं, तो थीटा नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी एल, और कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हमारा डेल एल अपॉन डेल थीटा क्या आ गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे थीटा डॉट नहीं है तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ये हमारा हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। इसका डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि 1/2 एम एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर इस तरह से लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 इंटू टू, ये टू आगे आ जाएगा एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा डॉट बचेगा क्योंकि 2 - 1 हो जाता है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको और इसको इस यूलर लैग्रांज इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा d बाई डी टी यहाँ पे डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट क्या है, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा रखेंगे, तो यहाँ माइनस पहले से है और इक्वेशन में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा आ गया। अब हम डी बाई डी टी है तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मालूम है क्या आ जाता है, डॉट। तो पहले से एक डॉट है तो डबल डॉट हो जाएगा, प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप यहाँ पे एम एल को कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं भाई एम एल को कॉमन, तो हमारा हो जाएगा एल थीटा डबल डॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा जी और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरह से। अब एम एल को इधर भेज देंगे तो ये हट जाएगा, एल थीटा डॉट प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एल से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, एल से जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा थीटा डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम को रिप्रेजेंट करता है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ हमने लैग्रांजियन इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिफाइन किया। आगे की वीडियो में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।